अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये मैंने, ये कौन है जी? ये जी पारस आर्ट फीवर कराची वाले, और इनसे मैंने क्या मंगवाया था, इनसे मैंने होपफुली मंगवाया था ग्लू मंगवाई थी, वाइट ग्लू। अब मुझे भी नहीं याद मैंने कौन से वाली मंगवाई थी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे मंगवा लेता हूँ और फिर सारों की इकट्ठी वीडियो में बना लेता हूँ। आई थिंक सो मैंने 0.5 kg वाली मंगवाई थी। ये 160 rupees की कॉस्ट की थी। और देखो वेरी नाइस, अच्छी ज़बरदस्त। अच्छा, अक्सर सेलर ये चीज़ नहीं बेचते, उससे मसला क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता ये क्या चीज़ थी क्या चीज़, एंड सो ऑन। हाँ जी, मैंने 0.5 kg मंगवाई थी। ये कौन सी ग्लू है जी? ICI की जर्मन वाइट ग्लू। लकड़ी वगैरह के काम के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किस काम के लिए यूज़ करता हूँ, मैं जो है वो कोई घर में स्टेशनरी वगैरह काम हो सकता है, तो ये ग्लू बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, ये बबल रैप जो है ना, वो बहुत ही कोई थर्ड क्लास किस्म का लग रहा है मुझे। फल ठीक है, अब इसको क्या कहा जाए यार, लें जी। ओ गुड। अच्छा, लेकिन इनकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, ये पारस आर्ट कराची वालों की। ओके, ये भी ओपन कर देते हैं। और ऊपर से कैमरा हिल रहा है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे क्या चीज़ फोकस कर रहा है, क्योंकि मैं, मेरा ध्यान कहीं और है अभी नीचे। ये इसको ओपन करने में लें जी। ओके हो गया जी, ओके हो गया जी। तो ये हमारे पास आ गई जी, ICI कलाबोर्ड WDPH और इंग्लिश सिंथेटिक ग्लू मैन्युफैक्चर बाय ICI पाकिस्तान। तो 500 ग्राम की 160 की, ये बड़ी महंगी मुझे लगी है। चलें खैर कोई नहीं, इसमें बस ऐसे ही है बाकी। तो ये है जी छोटी सी, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अस्सलामुअलैकुम।